सवाल ये पूछा गया कि क्या इंसान मनसूबाबंदी कर सकता है, बच्चों की पैदाइश में मियाँ बीवी अपनी सलाह मशवरे से वक्फा कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो जवाबन अर्ज़ ये है कि अगर तो मुतलकन ये इंसान का नज़रिया हो कि मैं ज़्यादा बच्चे पैदा ही नहीं करना चाहता, जैसे वह उसका ये नारा चलता रहा कि बच्चे दो ही अच्छे हैं, तो फिर तो ये मुतलकन नाजायज़ है कि इंसान डरे कि गुर्बत से बचने के लिए या उनके मामलात और रिजक के और दीगर ज़रूरियात को पूरा करने से बचने के लिए थोड़े बच्चे पैदा करने की पॉलिसी पर अमल पैरा होते हैं, तो ये कुरान की रूह से नाजायज़ है, क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया तुम अपने बच्चों को गुर्बत के खौफ से कत्ल ना करो या गुर्बत की वजह से कत्ल ना करो। लेकिन अगर उससे हटकर औरत की सेहत और उसकी तंदुरुस्ती और फजीक के लिए और जो बच्चा पहले पैदा हुआ है उसकी तंदुरुस्ती और उसकी सेहत का ख्याल करते हुए और उसके दूध पिलाने की मुद्दत का यानी मुद्दत रिदात का एतबार करते हुए अगर किया जाए तो फिर ये एहसन भी है और ये जायज़ भी है कि इंसान इतना वक्फा ज़रूर करे कि जिसके अंदर जो है वो बच्चे की रिदात की मुद्दत पूरी हो जाए और फिर बच्चा चलने फिरने के लायक हो जाए। ये तकरीबन 4 से 5 साल का वक्फा अमूमी तौर पे ऑटोमेटिकली बन जाता है अगर इंसान पहले बच्चे की मुद्दत रिदात का एतबार करे 2.5 साल और उसके बाद फिर आगे बच्चे को बड़ा होना और चलना और फिर प्रेगनेंसी के स्टार्ट होने का जो है टाइम पीरियड है वो इतना तकरीबन 4 से 5 साल का अरसा तकरीबन वक्फा जो है बन जाता है। और दूसरी बात यह है कि हदीस पाक के अंदर आता है कि आखिर सलाम ने इरशाद फरमाया कि तुम 120 दिन तक मुख्तलिफ सूरतों के अंदर अपनी माँ के पेट में रहते हो, जिसमें से हदीस पाक है कि माँ के पेट में बंदा 40 दिन नुतफा की सूरत में गुजारता है, फिर अलका हो जाता है, फिर मुदगा हो जाता है और फिर अल्लाह जो है फरिश्तों को भेजता है जो 4 चीज़ें हैं रिजक, उमर, नेक बख्ती और बद बख्ती का फैसला होता है। तो फुकहा ने सराहत की है कि ये 120 दिन से कबल अगर कोई इस्कात कराना चाहता है, हमल गिराना चाहता है, तो उसको ये इजाज़त है कि वो हमल को ख़त्म करा सकता है। या इसके मुकाबले में आजकल जो नए मेडिकली नए तरीके या मेडिसन आ रही हैं या और चीज़ें मार्केट के अंदर अवेल हैं, आप उनको इस्तेमाल करके जो है वो वक्फा इस नीयत से आप जो है वो कर सकते हैं। वरना अगर इससे हटकर नीयत दूसरी हो कि फ़क़त गुर्बत का डर हो, आबादी के बढ़ने का डर हो, तो ये यकीनन जो है वो नाजायज़ है। इसी तरह सहाबा इकराम जो थे वो आकर सलाम के दौर में अज़ल करते थे। अज़ल का मतलब ये होता है कि ये पुराने दौर का तरीक़ाकार था कि इंसान जो है वो अपने स्पर्म को औरत के वोम तक ना पहुँचने दे बल्कि उसको कहीं बाहर जो है वो टपका दे। तो बहर ये तरीक़ेकार उस पुराने दौर के अंदर ये तरीक़ेकार चलता रहा, सहाबा इकराम इस चीज़ को करते थे। हज़रत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रिवायत करते हैं कि हम रुके थे, अनस नहीं जाबर आ गया वो कट दें, हज़रत जाबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रिवायत करते हैं कुन्ना नाज़िलु वल कुरान यंज़िल, कि हम अज़ल यानी वो पुराना मेथड तरीका यूज़ करते थे और कुरान नाजिल होता था। और इसी तरह एक और रिवायत के अंदर आता है कि यहूदियों ने इतराज़ किया जब मुसलमान अज़ल करते थे यानी पुराना तरीका इस्तेमाल करते थे, तो उन्होंने कहा कि ये तो तुम एक छोटे बच्चे को जिंदा दरगोर करने वाली मारने वाली बात कर रहे हो। तो आखिर सलाम ने इरशाद फरमाया कज़बतुल यहूद, यहूदियों ने झूठ बोला है, बेशक अल्लाह जब किसी को पैदा करने का इरादा कर ले तो उसे कोई भी नहीं रोक सकता। तो यानी पुराने दौर में भी हमें कुछ ना कुछ ऐसी सूरतें मिलती थी उस दौर के लायक थी तो इस्तेमाल की गई थी, इसी वजह से वक्फा करने के लिए बच्चों की जो है वो मनसूबा बंदी करने के लिए। तो इन चीज़ों को अगर हम सामने रखें तो इंसान जो है वो कर सकता है मनसूबा बंदी और वक्फा भी कर सकता है। एक मुस्लिम शरीफ की रिवायत के अंदर ये भी है कि कुन्ना नाज़िलुल अहद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फबलगा ज़ालिका नबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फलम यनहाना, कि हम आकर सलाम के दौर में अज़ल करते थे तो ये खबर पहुँची सरकार तक कि लोग इस तरह करते हैं यानी मनसूबा बंदी कर रहे हैं, वक्फा कर रहे हैं। तो ये बात और ये ख़बर जब सरकार तक पहुंची तो रावी कहते हैं फलम यनहाना, तो सरकार ने हमें इससे मना नहीं फरमाया था।